हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर सो गाइस मैंने एक्सरसाइज 1.2 क्लास सिक्स मैथ की कंप्लीट करवा दी थी फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स सो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 आई होप आप वीडियो को देख रहे होंगे और समझ भी रहेंगे सो गाइज लेट वी स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर वन इन एक्सरसाइज वन सो गाइज इसके लिए भी कुछ बेसिक मैं आपको कुछ बता देती हूँ यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर वन में देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है एस्टीमेट एस्टीमेट का यदि आप सीधा सा यदि आप सोचोगे अपने माइंड के अंदर सो गई एस्टीमेट हम बोलते हैं एस्टीमेट का यूज करते हैं हम शायद के लिए शायद ऐसा हुआ होगा ये शायद ऐसा होगा एस्टीमेट uh, मतलब हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं मतलब आइडिया जो हम लगाते हैं वो हमारा क्या होता है एस्टीमेट सो कहे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन के अंदर बोला गया है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज रूल्स जर्नल रूल्स को फॉलो करते हुए हमें जो नंबर दिए हुए हैं इनको एस्टिमेट करना है मीन्स उसको राउंडिंग ऑफ करना है आई होप समझ गए होंगे आपको मैं लेट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाओ यदि मैं बोलती हूं ये स्कूल है ये क्या है एस इज रिप्रेजेंटेड हेअर स्कूल और ये है हाउस हाउस है यहाँ पे स्कूल है यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है सपोज करो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और क्या होता है वो यहाँ पे खड़ा है ये डिस्टेंस देखो आप एक बार और एक बार ये डिस्टेंस देखो तो यदि मैं आपको बोलू कि ये बच्चा स्कूल में जल्दी पहुंचेगा यहाँ से या फिर हाउस में कहने का मतलब गाइज मेरा ये है कि जो ये यह यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो जल्दी कवर करेगा या अपने घर का तो वो जल्दी ही पहुंचेगा अपने स्कूल में तो पास जो होगा यदि बारिश आ गई तो वो क्या सोचेगा मेरे को क्या चाहिए एक छत चाहिए जि जिससे मैं उसके नीचे छुप सकूं तो वो क्या करेगा जल्दी से उसका जितना जो पास होगा वो उसके पास चला जाएगा गाय जिसके अंदर हमारा स्कूल पास में है तो वो स्कूल में चला जाएगा अब इसी के एग्जाम्पल को यदि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो मैं बोलती हूं अब वो बच्चा यहां पे खड़ा है दूसरा वाला बच्चा उसके ऊपर भी बारिश आई तो वो हाउस में जाएगा या स्कूल में अब देखो गाइज ये किस में जाएगा हाउस के अंदर जाएगा क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है ये इसके बिल्कुल पास में है मतलब ये इसको बहुत ही लिमिटेड है मतलब बहुत ही सॉरी uh, लिमिटेड नहीं कह सकते हम इसको ये बहुत ही कम डिस्टेंस यहाँ से इसको ट्रैवल कर सकता है और यहां से ये यह जाएगा इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब ये स्कूल में जाएगा सो so भाई ऐसा ही कुछ है? हमारे क्वेश्चन के अंदर है ये मैंने क्यों बताया है ये सारा फंडा मैंने बताया आपको राउंडिंग के लिए राउंडिंग ऑफ के लिए कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं किसी नंबर्स को ये तो मैंने डिस्टेंस के वे में बताया था आपका जो क्वेश्चंस है वो किस में है ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताने के लिए आपको स्टूडेंट समझाने के लिए मैंने ये सब बताया है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है जब हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो गाइज क्या होता है जो जो शॉपकीपर होता है वो हमारा बिल बना देता है सपोज करो उसने हमारा बिल बना दिया सेवन ट्वेंटी का तो हम कहते हैं भैया राउंड ऑफ कर लो इसको राउंड ऑफ कर लो मींस या तो आप उसका जो राउंड ऑफ का मतलब क्या है आप उसका हमसे सेवन हंड्रेड रुपीज ले लो तो ये मैंने इसका क्या कर दिया राउंडिंग ऑफ कर दिया सो so गाइज हम यहाँ पे हमारे जो वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कहा गया है तो क्वेश्चन नंबर वन आज हम करेंगे इसके अंदर फोर पार्ट है सो गाइज आई होप आप अच्छे से समझेंगे और खुद भी ट्राई करेंगे उसको सो क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट देखो यहाँ पे एक चीज मैं और बता देती हूँ यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है जैसे आप नंबर ये तो मैंने आपको डिस्टेंस के वे में बताया हम एक नंबर लेकर चलते हैं देखो यहाँ पे नंबर मैंने बता दिया वैसे सेवन ट्वेंटी से सेवन हंड्रेड एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ट्वेंटी टू ले लिया मैं कहती हूँ इसको एस्टिमेट कर दो इसको राउंडिंग ऑफ कर दो तो देखो ट्वेंटी ट्वेंटी टू है तो देखो ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी के पास जाएगा या थर्टी के पास जाएगा मैंने वही डिस्टेंस वाला यहाँ पे आता है कौन इसके पास में है वो किसके पास जाएगा ट्वेंटी के पास तो ट्वेंटी टू का जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा ट्वेंटी सो अब हम और देखते हैं एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 78 एट तो देखो यहाँ पे सेवनटी पास में है या फिर हमारा 80 तो कौन सा पास में है सेवनटी एट के बाद सेवनटी नाइन और एट्टी सो इस सेवनटी से सेवनटी एट के लिए कई डिजिट हमारे आएंगे सो so, uh, ये इसके पास होगा तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा एटी सो गाइज अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर सो गाइज जो फर्स्ट पार्ट है हम उसको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट यहाँ पे है सेवन थर्टी और प्लस में नाइन नाइन एट गाइज देखो जो सेवन थ्री जीरो है सबसे पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं गाइज तो सबसे पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे राउंड ऑफ राउंडिंग ऑफ कह सकते हो राउंड ऑफ कह सकते हो किसको करना है पहले सेवन थ्री जीरो को करना है अब देखो जो सेवन थ्री जीरो है यदि मैं बोलू से एट हंड्रेड यदि हम इसको बोले सेवन हंड्रेड या एट हंड्रेड आप इस स्ट्रम में भी लेकर अब आप सोचोगे कि यहां पे ट्वेंटी एट नहीं है थर्टी है क्योंकि यहां पे तीन डिजिट है तो आप इसमें आपको यहां पे देखो जब लास्ट में वन टू थ्री फोर तक आएगा तो वो हमारा पीछे की साइड आएगा मीन्स कहने का ये है गाइज वो हमेशा राउंड ऑफ पीछे की साइड होगा और फाइव सिक्स सेवन और एट जहां पे आ जाएगा नाइन ये सब क्या आगे बढ़ेंगे इंक्रीज करेंगे उस नंबर को ठीक है गाइज तो ये सेवन थ्री जीरो है इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा हमारा सेवन हंड्रेड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब हम करते हैं क्वेश्चन तो जो इसका राउंडिंग ऑफ किया है मैंने वो गाइज हो गया सेवन हंड्रेड अब नाइन नाइन एट का नाइन हंड्रेड नाइनटी एट का देखो नाइन हंड्रेड और थाउजेंड के बीच में लाई करेगा कहीं पे तो नाइन हंड्रेड पास में है गाइस या थाउजेंड देखो जब नाइन नाइन एट है नाइनटी एट किसके पास जाएगा थाउजेंड के पास ओबियस है तो नाइन नाइन एट का जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा थाउजेंड अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे प्लस का साइन हमें दिया हुआ है अब हम इसको कर देंगे एड तो इसका राउंडिंग ऑफ हमने क्या किया था सेवन हंड्रेड प्लस थाउजेंड तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस सेवनटीन हंड्रेड ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर अब आप बोलोगे कि मैम ये हमें राउंडिंग ऑफ करने का क्या जरूरत था ये गाइस इसलिए पड़ा हमें इसका नीड क्योंकि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसको ये नहीं चाहते कि उसको कॉम्प्लिकेटेड हम बनाए लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बने इससे अच्छा हम उसको क्या कर लेते हैं राउंड ऑफ ले लेते हैं So, इसलिए हमें इसको जरूरत पड़ा है इसीलिए इसका नीड था तो हम आपको राउंडिंग ऑफ करना इसके अंदर सिखा रहे हैं ऐसे ही हमारा जो बी पार्ट है गाइस उसको देखो बी पार्ट बी पार्ट के अंदर देखो गाइस जब हम सेवन नाइन्टी सिक्स है हमारा सेवन नाइन्टी सिक्स का हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो कितना आएगा देखो सेवन सिक्स है ये सेवन हंड्रेड और एट हंड्रेड के बीच में लाई कर रहा है तो मैंने बोला है सिक्स है तो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा सेवन सिक्स किसके पास पहुंचेगा राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम एट हंड्रेड के पास so किसके पहुंचेगा एट हंड्रेड के पास तो इसका जो राउंडिंग ऑफ है वो किसमें है सेवन नाइनटी सिक्स का एट हंड्रेड में अब गाइस हमारे पास है थ्री वन फोर अब देखो मैंने बोला था वन टू थ्री फोर ये किसमें जाएगा गाइज पीछे जाएगा सो so जैसे पीछे जाएगा तो थ्री वन फोर पीछे जाएगा तो थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड के बीच में इलाई करेगा तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा हमारा थ्री हंड्रेड अब हमारे पास बीच में जो साइन दिया हुआ वो किसका दिया हुआ इस माइनस का तो एट हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड इज आंसर हेयर तो हमने ये किया है राउंडिंग ऑफ सो गाइज अब हम करते हैं नेक्स्ट जो इसके सी और डी पार्ट है गाइज उसको हम करते हैं गाइज so हमारा जो सी पार्ट है उसको एक बार हम देख लेते हैं सी पार्ट हमारा जो है उसका है हमारा सी पार्ट गाइज इसमें है ट्वेल्व नाइन जीरो फोर मैंने बताया था वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तो ये हमारा दिया हुआ है ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर प्लस गाइस 2,888 ये सी पार्ट है और डी भी मैं राइट डाउन कर लेती हूं इधर ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड टू माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स ये हमारे दोनों पार्ट है सी और डी सो गाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे जैसे ही मैंने आपको वो बताया था कि आपको राउंडिंग ऑफ करना है सो so गाइज इसमें हम क्या करेंगे देखो ट्वेल्व अब देखो ये ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर है ये ट्वेल्व थाउजेंड के पास तो आएगा नहीं गाइस तो ये किसके पास आएगा देखो ये किसके बीच में लाई करता आप वो देखो पहले आपउसन थाउजेंड के बीच में ये लाई करेगा तो ये थर्टीन थाउजेंड के पास जाएगा ना कि ये ट्वेल्व देखो नाइन हंड्रेड तो थाउजेंड के पास पहुंच गया ना तो इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा जो सी पार्ट है उसका क्या होगा गाइस जो राउंडिंग ऑफ है गाइस वो हमारा ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर का हमारा क्या हो जाएगा गाइस so आ जाएगा हमारा ये मैंने राउंडिंग किया हंड्रेड फोर का अब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं टू थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी एट सो गाइस इसका हम करेंगे देखो ये किसके बीच में लाई करेगा टू थाउजेंड और थ्री थाउजेंड के बीच में लाई करेगा? करेगा तो ये थ्री थाउजेंड के पास है ना लास्ट में एट है तो आगे बढ़ेगा तो ये किसका इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा थ्री थाउजेंड अब बीच में हमारा सिंबल किसका दिया हुआ है साइन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है गाइस हमारा प्लस का तो हम इन दोनों को कर देंगे प्लस थर्टीन थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड सो गाइस ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर सी पार्ट का अब नेक्स्ट हम करते हैं गाइस डी पार्ट डी पार्ट में देखो ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड टू माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्स देखो इसमें माइनस दिया हुआ है ये मैटर नहीं करता साइन आप टू प्लस थ्री करो आप प्लस तो कर सकते हो या आप आपको माइनस दे दिया तो आप माइनस करोगे ओके गाइस तो इसके अंदर देखो गाइस यहाँ पे देखो ट्वेंटी एट थाउजेंड तो पूरा है कंप्लीट है टू नाइनटी टू टू नाइनटी टू है ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी टू किसके बीच में लाई कर रहे हैं 28 और 29 के बीच में सो so गाइज ये 292, तो ये तो आप इसको थाउजेंड के पास लेकर जाओगे तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा दूर चला जाएगा तो 292 जो हमारा है ये हमारा पास में है थोड़ा सो so गाइज 28 और 29 के बीच में जाएगा तो इसका राउंडिंग ऑफ हमारा हो जाएगा 20, इसका राउंडिंग ऑफ हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड गाइज so यहां पे था इसका अब हम करते हैं राउंडिंग ऑफ किसका करते हैं गाइज राउंडिंग ऑफ ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स का अब देखो गाइज ये फिर आ गया ये हमारा किसके पास पहुंच रहा है हमारा जो जो नंबर जो नया निकल के आएगा वो ट्वेंटी वन और गाइज ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू के बीच में है तो गाइज ये ट्वेंटी टू के पास पहुंचने में तो ज्यादा टाइम लगाएगा सो so गाइज इसमें हमारा क्या आ जाएगा फोर सिक्स है आप इस चीज को देखो फोर नाइन्टी सिक्स थाउजेंड के पास पहुंचेगा या फिर ट्वेंटी वन के पास है इसका क्या आ जाएगा गाइज ट्वेंटी वन थाउजेंड ओके गाइज अब हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर इसका राउंडिंग ऑफ हमने किया था ट्वेंटी एट थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड ये गाइज इस हमने राउंड ऑफ कर लिया इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है सो गाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड इसका सब्जेक्ट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा ये था हमारा एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन के ए बी सी ओ डी पार्ट कल हम कल की वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर टू और थ्री जो रिमेनिंग रह गया है वो एक्सरसाइज का आई होप कल ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर वन और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा गाइज इफ यू लाइक इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो सब्सक्राइब ऑल्सो गाइज Thanks for watching guys.